अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हैंड टूल के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की। यह जो 25 प्रश्न हैं आपके एग्जाम में, जैसे यूपीआर, बिनल, यूपी मेट्रो, एनएफसी, एनपीसीआईएल, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इन 25 प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखें। आइए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द मिडिल पोर्शन ऑफ द हैमर हेड इज कॉल्ड एज, यानी कि हथौड़े के घन के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। हथौड़े के मध्य घन के भाग को हम चीक कहते हैं। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि हथौड़े का जो वजन होता है वह कहाँ लिखा होता है। हथौड़े का जो वजन होता है उसके चीक पे लिखा होता है, उसके गाल पे लिखा होता है, तथा यही जो होता है मिडिल पोर्शन होता है। जैसे एक हैमर होता है, हैमर का मान लीजिए इस प्रकार का कुछ हैमर है, जो निचले वाला सिरा होता है उसका फेस होता है, तथा ऊपर वाला जो सिरा होता है पिन होता है। इसलिए हथौड़े का जो मध्य भाग होगा क्या कहलाएगा, चीक कहलाएगा, यानी गाल उसे कहेंगे। तथा बीच वाला जो पोर्शन होता है हथौड़े का जो मिडिल पोर्शन है, ऊपर वाला मान लीजिए फेस हो गया, विभिन्न आकार का होता है पिन, या पिन होता है जिस आकार में होता है उसे पिन कहते हैं। नीचे जिसे चोट किया जाता है उसे फेस कहते हैं। यहाँ पर एक होल बना होता है जिसे हम आई होल कहते हैं, तथा विभिन्न आकार के पिन होते हैं, यहाँ ऊपर शेप होते हैं, तथा यह हैंडल होता है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य भाग को चीक कहते हैं, तथा वो जहाँ वजन लिखा होता है उसे भी हम चीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द पिन ऑफ स्ट्रेट पिन हैमर इज, सीधा पिन हथौड़े का पिन होता है। यानी कि जब स्ट्रेट पिन हैमर कैसा होता है, स्ट्रेट पिन हैमर जो होता है स्ट्रेट टू द हैंडल, यानी कि हैंडल के बिल्कुल स्ट्रेट में होता है। और जो क्रॉस पिन हैमर होता है, तो अगर क्रॉस पिन हैमर के बारे में पूछा जाए आपसे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्रॉस पिन हैमर जो होगा वह क्रॉस में होता है, यानी कि क्रॉस में होगा। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस पिन हैमर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें स्ट्रेट पिन हैमर पूछा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेट टू द हैंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एंगल ऑफ द पॉइंट इन ए डार्ट पंच, डार्ट चुंबन में से निम्नलिखित में से कौन सा कोण है, वह 60 डिग्री का होता है। डार्ट पंच हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, 90 डिग्री क्या होता है सेंटर पंच, डार्ट पंच 60 डिग्री, तथा प्रिक पंच 30 डिग्री का भी होता है और 60 डिग्री का भी होता है। 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग कहाँ करते हैं, डिवाइडर के पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तथा 60 डिग्री वाले प्रिक पंच का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, विटनेस मार्किंग में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, विच हैमर इज यूज्ड फॉर फार्मिंग ए रिवेट हेड, यानी रिवेट सिर के निर्माण के लिए किस हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिवेट सिर के इस्तेमाल करने के लिए हम हमेशा बाल पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। यह क्वेश्चन याद रखेंगे, जब रिवेट से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, बाल पिन हैमर, यानी बाल पिन हथौड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, टूल्स आर जनरली मेड फ्रॉम, यानी औजार को साधारणतः किससे बनाया जाता है। औजार को यानी कि टूल्स को साधारणतः हम हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। रॉट आयरन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेन हुक्स किससे बने होते हैं, क्रेन का जो हुक होता है, क्रेन हुक किससे बना होता है, वह रॉट आयरन से बना होता है। रॉट आयरन क्या है, रॉट आयरन सबसे शुद्ध लोहा होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.1 के लगभग में होता है, यानी कि 99.99% इसमें आयरन की मात्रा होती है। तथा माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील का दूसरा नाम क्या होता है, माइल्ड स्टील का दूसरा नाम लो कार्बन स्टील होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज सबसे कम होता है। तथा मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन परसेंट मीडियम अवस्था में होता है। इसलिए इसमें जो पूछा हुआ था, इसमें पूछा हुआ था कि टूल्स आर जनरली मेड ऑफ, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाइस यूज्ड फॉर ग्रिपिंग इन ए जॉब इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर पोजीशन, यानी कि ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जाब को पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा केवल सिर्फ और सिर्फ एक वाइस कर सकता है, यूनिवर्सल मशीन वाइस की सहायता से जाब को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तथा एंगुलर किसी भी पोजीशन में हम पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हैमर, निम्न में से क्या हथौड़े का प्रकार नहीं है। तो बाल पिन हैमर होता है, क्रॉस पिन हैमर भी होता है, स्लेज हैमर भी होता है जिसे हम घन कहते हैं, जबकि स्वेज ब्लॉक एक हथौड़ा नहीं है, यह हथौड़े का प्रकार नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7वें कार्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
आठवां देखते हैं, द बेंच वाइस स्पिंडल इज मेड ऑफ, यानी कि ये बेंच वाइस का स्पिंडल किससे बना होता है, बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेंच वाइस का स्पिंडल किससे बना होता है, माइल्ड स्टील से बना होता है। बेंच वाइस किसका बना होता है, वो कास्ट आयरन का बना होता है, इसमें स्पिंडल पूछा हुआ था इसलिए माइल्ड स्टील हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द लेंथ ऑफ हैमर ऑफ हैंडल फ्रॉम ए 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट, यानी कि 500 ग्राम वाले हैमर के लिए हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए, वह लगभग 325 mm की होनी चाहिए, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया कि 500 ग्राम अगर भार का हैमर है तो उसकी हैंडल की लंबाई लगभग कितनी रखी जाएगी, या एक मानक होता है, करेक्ट वैल्यू होती है 325 mm, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द हैंड वाइस इज यूज्ड फॉर, यानी हैंड वाइस का उपयोग कहाँ करते हैं, हैंड वाइस हाथ में पकड़ा जाता है तो क्या करेंगे इसे, छोटे छोटे कार्य को पकड़ने के लिए, होल्डिंग द साल्ट जाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होल्डिंग द साल्ट जाब, हैंड वाइस का उपयोग क्या करेंगे, होल्डिंग द साल्ट जाब। 11 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए वाइस, यानी प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई कितनी होती है, तो यह होती है 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल साइज ऑफ वाइस, यानी वाइस के नॉमिनल साइज का 2.5 गुना। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार पूछा गया है। जनरली द लेंथ ऑफ द हैंडल ऑफ ए वाइस इज, यानी कि प्रायः वाइस के हैंडल की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल साइज, यानी ढाई गुना होती है नॉमिनल साइज वाइस के। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फॉर ए जनरल पर्पज बेंच वाइस फिक्स जैसे हाइट, यानी सामान्य कार्य के लिए बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर सेट किया जाता है, तो यह 106 सेंटीमीटर की ही ऊंचाई पर सेट किया जाता है। यह बहुत बार यह परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य कार्य के लिए किसी बेंच वाइस की ऊंचाई कितनी होती है, तो 106 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पिन वाइस इज यूज्ड, यानी पिन वाइस का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पिन है तो होल्डिंग द पिन, यानी पिनों को पकड़ने के लिए किया जाएगा पिन वाइस का इस्तेमाल, होल्डिंग द पिन, यानी पिन वाइज पिनों को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द मूवेबल जॉब ए बेंच वाइस इज नॉट मूविंग इवन थ्रू द स्पिंडल स्टर्न, इट इज ड्यू टू रीजन दैट, वाइस के मूवेबल जॉब स्पिंडल को घुमाने पर नहीं चलता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है स्पिंडल पिन टूटी हुई है, यानी कि स्पिंडल की पिन अगर टूटी हुई है तो अगर हम वाइस को घुमाने पर भी नहीं वह आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, इसका क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द बॉक्स नट ऑफ बेंच वाइस इज मेड ऑफ, यानी वाइस का बॉक्स नट किसका बना होता है, ये वाइस का जो बॉक्स नट होता है वह वाइट मेटल का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाइट मेटल यानी कि सफेद धातु। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आपसे कि ये बेंच वाइस का जो बॉक्स नट होता है वह किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, वाइट मेटल से बना होता है, जबकि बेंच वाइस की जो बॉडी होती है वह कास्ट आयरन की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है बेंच वाइस की जो बॉडी होती है। बेंच वाइस में विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे कि फिक्स जा होता है, उसका मूवेबल जा होता है, फिर उसमें स्पिंडल बने होते हैं, तथा इसमें एक बेंच वाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि बेंच वाइस जो होता है मतलब कि उसमें जो थ्रेड कटी होती है वह कौन सी थ्रेड कटी होती है, तो बेंच वाइस में जो थ्रेड कटी होती है वह थ्रेड होती है स्क्वायर थ्रेड, बार बार पूछा गया है बेंच वाइस में जो थ्रेड होती है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर थ्रेड होती है, तथा यह इसका स्पेसिफिकेशन जो होता है जबड़े की चौड़ाई से किया जाता है, इसमें जो स्पिंडल होता है माइल्ड स्टील का बना होता है, बॉक्स नट किसका बना रहता है, वाइट मेटल का बना रहता है, तथा स्प्रिंग्स जो लगी होती हैं स्प्रिंग स्टील की बनी होती हैं, फिक्स जा होता है मूवेबल जा होता है या ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वॉइस क्लैंप आर यूज, यानी वॉइस क्लैंप का उपयोग किया कहाँ किया जाता है, वॉइस क्लैंप का उपयोग प्रोटेक्ट द फिनिश्ड सरफेस ऑफ द जॉब, यानी जॉब की फिनिश की हुई सतह को बचाने के लिए हम करते हैं वॉइस क्लैंप का इस्तेमाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, द बेंच वाइस इज कॉल्ड पैरेलल जॉ वाइस, बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि वह पैरेलल में मूव करता है इसीलिए इसे हम कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट्स मूवेबल जॉ पैरेलल टू द फिक्स जॉ,
इसका जो मूवेबल जा होता है फिक्स जा के समानांतर मूव करता है, बिल्कुल पैरेलल में खुलता है जो फिक्स जा होता है। मूवेबल जा जो होता है एक फिक्स जा रहेगा, एकदम फिक्स रहता है, मूवेबल जा जो खुलेगा इस तरह से आगे पीछे होता है तो बिल्कुल समानांतर खुलता है, इसलिए इसे पैरेलल जा भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए मेटल स्ट्रिप टू बी स्प्रेड इन वन डायरेक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैमर इज सुटेबल फॉर दिस पर्पज, यानी धातु की एक स्ट्रिप को एक दिशा में फैलाने के लिए इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हैमर का उपयोग किया जाता है, इसके लिए हम क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई भी हमें स्प्रिट यानी कि स्ट्रिप बनाना है यानी एक दिशा में किसी धातु को फैलाना है तो हम क्रॉस पिन हैमर का इस्तेमाल करेंगे। अगर रिवेट से संबंधित क्वेश्चन है तो बॉल पिन हैमर का, भारी जाप के लिए हम स्लेज हैमर का इस्तेमाल करते हैं। मैलेट किसे कहते हैं, जो लकड़ी का बना होता है, इसका उपयोग बक्से आदि धातु चादरों में इसका उपयोग किया जाता है मैलेट का। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हैमर यूज्ड फॉर फार्मिंग रिवेट हेड बाय स्प्रेडिंग द सैंक ऑफ द रिवेट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का उपयोग रिवेट के सैंक को फैलाकर हेड का आकार देने के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिवेट आ गया, तो क्या हो जाएगा बॉल पिन हैमर, हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, वाइल ओवर टाइटनिंग द बेंच वाइस विच पार्ट विल बी जैमेज, यानी बेंच वाइस को ओवर टाइट कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा अत्यधिक कस दिया जाए तो कौन सा उसका पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाएगा, उसका जो स्पिंडल होगा वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, स्पिंडल क्या हो जाएगा क्षतिग्रस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, चिन्हीकरण उद्देश्य के लिए प्रयुक्त इंजीनियरिंग हथौड़े का भार कितना होता है, द वेट ऑफ एन इंजीनियर हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज, मार्किंग पर्पज के लिए हथौड़े का वजन कितना रखा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक पाव हथौड़े का इस्तेमाल यानी 250 ग्राम हथौड़े का उपयोग हम मार्किंग पर्पज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, द लेंथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड इज मेजर्ड फ्रॉम, यानी धातु काट आरी ब्लेड की लंबाई कहाँ से मापी जाती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ वन होल टू द सेंटर ऑफ अनदर होल, यानी हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है सेंटर ऑफ वन होल टू सेंटर ऑफ अनदर होल, अगर कुछ मान लीजिए इस प्रकार का कुछ आपका हेक्सा ब्लेड है तो इसका स्पेसिफिकेशन होता है यहाँ पे एक होल होता है कसने के लिए, यहाँ पे एक होल होता है, यानी इसकी इस होल के इस सेंटर से इस दूसरे होल के सेंटर के बीच की दूरी से हम हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, धातु ट्यूब और पाइपों को काटे को रखने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं, यानी कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाइस इज यूज्ड होल्ड सेक्शन ऑफ मेटल ट्यूब्स एंड पाइप, यानी ट्यूबों पाइपों को पकड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल किएंगे, तो पाइप आ गया तो पाइप वाइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाइप वाइस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीन वाइस कैन बी सेट एंड डिजायर्ड एंगल इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में किसी भी अभीष्ट कोण पे किस मशीन वाइस को सेट किया जा सकता है, तो इसके लिए हम आप पीछे यह क्वेश्चन आया था यूनिवर्सल वाइस, यूनिवर्सल वाइस को हम किसी भी कंडीशन में किसी भी कोड़ी में हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में हम सेट कर सकते हैं। यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रिवेट्स चाबी को धारण करने के लिए किस सिकंजे का उपयोग किया जाता है, विच वाइस इज यूज्ड फॉर होल्डिंग रिवेट एंड की, जिसका हो जाएगा हैंड वाइस, हैंड वाइस में ही हम की यानी कि चाबी को चाहे रिवेट को हम पकड़ सकते हैं। यह जो 2500 क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यह आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, हैंड टूल के जितने भी 25 प्रश्न हैं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।